यहाँ पर मैंने गोभी को छोटे छोटे फ्लोरेट्स में काट लिए हैं, आप ये पीसेस देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है 1 कप के करीब, इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा नमक और इसी में ही हम सारे फ्लोरेट्स डाल देंगे और इसको 10 से 15 मिनट तक हम ब्लांच कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें 2 चम्मच राइस पाउडर डालेंगे और 3 चम्मच इसमें मैदा। आप मैदा के बदले व्हीट पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1.5 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच दही। आपके पास अगर दही नहीं है तो फिर आप 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट यहाँ पर बन चुका है। अब हमने जो ब्लांच करके रखा था गोभी, ये देखिए ये एकदम से सॉफ्ट है। इसको अभी इस बैटर में डालकर अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको कोट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसको मीडियम हीट पर रख के हमें एक एक करके इसको फ्राई करना है।